रिटर्न करोगे गेम के अंदर, तो आपको वहां से के रूम से एग्जिट करोगे। सबसे पहले तो आपको करेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइप और टाइम लेके आप करेक्टर को क्रिएट करना, क्योंकि बाद में क्रिएट करोगे तो उसके अंदर आपके मेवर्स लगने वाले हैं, क्योंकि गेम इन मनी है वो लगेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको बाहर आना है, वहां पे एक एनपीसी खड़ी रहेगी, उसके पास जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा इंटरेक्ट का, तो वहां से जाके आप ई प्रेस करोगे, ई प्रेस करने के बाद आपको इंटरेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे लिखा आएगा एक पास एक साइड में आएगा भाई लिखा हुआ गुड बाय, और एक पास आएगा रेंट है स्कूटर का, आपको वहां से स्कूटर ले लेना है। स्कूटर लेके सीधा आपको एक लोकेशन पे आना है जहाँ पे आप मैप को ओपन करोगे, आपको मैं अभी बता देता हूँ। जैसे आप मैप को ओपन करोगे तो यहाँ पे ये जो येलो वाला निशान है यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे आओगे तो आपको आगे जाके मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो आपको गेम प्ले का नॉलेज होगा क्योंकि आपने पहले GTA 5 खेला हो, और उसको खेलने के लिए आपको GTRP की ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी, जो कि आप स्ट्रीम से या ईपीके से आप बाय कर सकते हो, समर सेल चल रही है आप वहाँ पे आप इजीली बाय कर सकते हो सस्ते रेट में, अभी छूट चल रही है काफी ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे आने के बाद आपको उस येलो मार्कर में जाना होगा, ठीक है। येलो मार्कर में जाने के बाद आपको ऐसा गेट एम्प्लॉय वाला ऑप्शन शो होगा, वहां से आप गेट एम्प्लॉय का सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे जैसे कि मार्कर वाला निशान है वहां पे जाओगे और आप ई इंटरफेस करोगे, यहाँ पे आपको 5 जॉब करनी है, ठीक है। एक जॉब मेरी फिनिश हो चुकी है, मुझे सेकंड ऑप्शन आ गया येलो मार्कर दिख रहा है मैप के अंदर, आप देख सकते हो एचईओडी में, तो यहाँ से आप देख सकते हो आप खेल सकते हो ऐसे, ठीक है। ई प्लस करोगे तो आपका जो डन हो जाएगा, आपको 5 जॉब करनी है, ठीक है। मैंने 2 जॉब डन किया, मेरे को 100 रुपये मिल गए, आप लोग बस टास्क कंप्लीट हो गया। कुछ लोगों को 5 मिलता है, कुछ लोगों को 1-2 भी हो जाता है कंप्लीट, जैसे कि मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं कुछ काफी जॉब करूंगा ताकि मेरे पास पैसे आ जाए, मेरे पास 500 डॉलर हो तो मैं लाइसेंस ले सकता हूँ, मुझे 500 डॉलर चाहिए, ऐसे मैं बना लेता हूँ ताकि इजीली मेरे को सब कुछ मिल जाए। और तब तक मैं अपने रूम की बात कर ले, तो इसके अंदर जो आप आईडी बनाओगे उसके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना भाई, अगर आपकी कोई आईडी हैक कर लेता है ऐसा कुछ करता है तो उसके जिम्मेवार आपको दोगे ना कि सर्वर, सर्वर उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और एक दूसरी बात, आप जैसे ही आईडी में खेलते हो कुछ लेवल तक पहुंच जाते हो आपके पास काफी मनी है, जैसे कि इसके गेम के अंदर मेरे पास अभी 2500 डॉलर और 300 डॉलर शो करें, वो डॉलर आप रियल मनी के अंदर नहीं बेच सकते, वो उसको तो बेचने पर आपको बैन पड़ेगा, परमानेंटली बैन हो जाएगा और हार्डवेयर के थ्रू बैन होगा, जिसके अंदर आप दोबारा इस सर्वर के अंदर कभी नहीं खेल पाओगे, ठीक है। दूसरे रूल की बात कर लेते हैं, ना ही आप अकाउंट को सेल कर सकते हो ना ही मनी को सेल कर सकते हो, जो भी करोगे सेल और बाय करना है वो इसी गेम के डॉलर के अंदर होना चाहिए कि ना कि रियल मनी में। मेरे कहने का मतलब मैं इंडियन से हूँ, तो इंडियन रुपीज के अंदर आप बाय या परचेज नहीं कर सकते कुछ भी चीज, इन गेम आप परचेज कर सकते हो, इन गेम की वैल्यू जो है उस हिसाब से। तो मेटा गेमिंग के अंदर आपका आता है, जैसे कि आप अभी मेरे सामने कोई व्यक्ति नहीं है तो अब यहाँ पे आपको माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रिक जॉब के पास में लिखा हुआ 7, वहां पे माइक का ऑप्शन आ रहा है, तो वहां से बोल के आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप डिस्कॉर्ड के अंदर जाके कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे जाने से आप गेम के रूल को ब्रेक करें, क्योंकि वो व्यक्ति रियल लाइफ में जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करते हो वो आपके पास में होगा तभी बात कर पाओगे, और अगर वो कहीं दूर है जिससे आपकी आवाज वो सुन नहीं सकता, वहां से दूर है तो उसको आप कॉल या व्हाट्सएप के जरिए SMS के जरिए रियल लाइफ में करते हो, है ना। तो उसी प्रकार से इसके अंदर आपके सामने जो व्यक्ति है उससे आप बात कर सकते हो, ठीक है। और वहां पे आप
इस प्रकार से डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर आप बात नहीं कर सकते, अगर बात करोगे तो वो मेटा गेमिंग के अंदर आता है, उसको आपको बैन कर सकता है। अब पावर गेमिंग की बात कर लेते हैं हम। पावर गेमिंग का एक सिंपल सा रूल है, जैसे कि अपने पास माना कि अपने रियल लाइफ के अंदर है, तो रियल लाइफ के अंदर है तो हम इससे कुछ चीज ही करवाते हैं, जैसे कोई अपने को कुछ करने को कहता है और अपने हम नहीं करते। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि आप भाई मेरा ये काम कर दो, ठीक है, और आप उसका काम नहीं करे, हुआ एक तरह से आप पावर दिखा रहे हो उसको। उसी प्रकार गेम के अंदर भी होता है। उस गेम के अंदर क्या है, जैसे कि आपको ठीक है, तो वो आपको कोई गैंग है, चार लोग है, दो गाड़ियां आपको रुका रहे रोबरी करने के लिए, आप भूख नहीं रहे बल्कि आप भाग रहे हो, तो ये एक तो फेयर आरपी के अंदर भी आएगा, क्योंकि आप उनकी प्रोसेस जो है आरपी प्रोसेस है उसको रोक रहे हो, और दूसरी बात आप उसके अंदर पावर का यूज कर रहे हो जो कि आपके पास है नहीं, और आप शो कर रहे हो कि हाँ भी मेरे पास पावर है। और इसके एग्जांपल के तौर पे अपने ले लेते हैं, जैसे कि आप आपका फ्रेंड अनकॉन्शियस है या बेहोश है, जिसको आप नोक बोलते हैं, तो नोक है तो उसको आप रिवाइव करो, उस टाइम पे आप गन को हाथ में नहीं रख सकते, वो पावर गेमिंग के अंदर में आता है। और मेटा गेमिंग के अंदर में जैसे कि एक चीज और आती है, जैसे कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, आप उसकी बात गैंग है और वो आपको रोबरी करना चाहती है और आप उसको रुक नहीं रहे हो और आप भाग रहे हो, वो सिचुएशन में लेना चाहता है, आप आ नहीं रहे, उसकी कमांड नहीं मान रहे, और उसका आप माइक बंद कर देते हो, जैसे कि उसकी बात बंद कर देते हो और चाह रहे हो कि आप वो सर्वर से बाहर बात करें, जैसे कि डिस्कॉर्ड पे आपको मैसेज करे या ऐसा कुछ करे, तो वो मेटा गेमिंग के अंदर आता है। ठीक है, आप डिस्कॉर्ड के अंदर जैसे कि आपको किसी सर्वर के अंदर जॉब चाहिए उसके रिलेटेड आप बात कर सकते हो, आपने जो इन करेक्टर की गेम की बात है वो आप डिस्कॉर्ड के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक मेटा गेमिंग में आता है। अब पावर गेमिंग जो आपको मैं बता दिया, अब फेयर आरपी रह रही है। फेयर आरपी के अंदर मैंने आपको एक रूल बताया ही था कि कोई व्यक्ति आपको रुका रहे, आप रुक नहीं रहे हो, तो रुक नहीं रहे हो तो उसके आरपी में आप बाधा डाल रहे हो, तो वो फेयर आरपी है। वो फेल आरपी में हम आपको बात कर देते हैं। फेल आरपी जैसे कि अब मेरी जॉब ये है कि मैं लिक्विड जॉब में काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी वो ये काम छोड़कर कोई और ही ऐसे वैसे फिटी के अंदर घूम रहा हूँ, वो फेल आरपी के अंदर आ गया, क्योंकि मैंने आरपी अपने आरपी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर रहा। ठीक है, और इसके अंदर नॉन आरपी के अंदर आता है, जैसे कि आप नॉन आरपी के अंदर वो चीज आती है, जैसे कि अब मैं जॉब में नहीं हूँ और उसके अलावा मैं कोई बातें करूंगा, आई रिलेटेड है, जैसे वो लोग स्पॉट पे बातें कर रहा हूँ, तो वो नॉन आरपी में आएगी। और अब मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ वो नॉन आरपी के अंदर ही आती है, वो आरपी के अंदर नहीं आती। आरपी के अंदर वो आती है कि जैसे भाई ये आपको वर्क है आपका करना है, और जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आपके पास पुलिस जॉब है, कोई व्यक्ति आता है आपके पास, तो पुलिस में कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि आप मुझे इंश्योरेंस चाहिए, तो आप उससे ये इंश्योरेंस लाइसेंस चेक करके या लाइसेंस बोल दो, लाइसेंस और पासपोर्ट चेक करने के लिए अलावा, उसके अलावा आप बोल रहे हो कि आपका लेवल क्या है, आप वहाँ उस स्थान से हो, किस सिटी से खेल रहे हो, कितने घंटे खेलते हो, तो वो एक नॉन आरपी के अंदर आता है, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, जॉब के टाइम पे आप नहीं कर सकते, नॉन आरपी में आएगा। और इसको एक मतलब बोल लो कि ये मेटा गेमिंग में रोल आता है, आईसी इंफॉर्मेशन ओसी में देना, आईसी मतलब इन करेक्टर, ओसी मतलब आउट ऑफ करेक्टर। ठीक है, मैंने कुछ आपको रूल बता दिए, लेकिन मैं अभी जॉब थोड़ा और करूंगा यार, और कर लेता हूँ, साथ में आपको रूल भी बताता जाऊंगा। इस प्रकार से होता है, ठीक है, आप रूल ब्रेक नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, उससे आप बोलो कि आप कंफर्टेबल हिंदी या इंग्लिश, उसको पूछ लो कि आप कंफर्टेबल कौन सी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो उससे क्या है, जो व्यक्ति जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप बात करें, आपको भी इजी रहेगा, सामने वाले को भी इजी रहेगा। ठीक है, कोशिश करें कि आप इंग्लिश में बात करें, लेकिन इंग्लिश आपको ज्यादा नहीं आ रही है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप भाई मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ क्या। ठीक है,
सपोज करो कि आप एक पुलिस वाले बन गए हो, तो पुलिस वाले बनने के बाद आपको क्या है, जैसे कि आपको सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपको बंदा पूछेगा मेटाजमीन के बारे में पूछेगा, पावर के बारे में पूछेगा, फेयर आरपी के बारे में पूछेगा, फेल आरपी के बारे में भी पूछेगा, ठीक है, और नॉन आरपी के बारे में भी पूछेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ सकते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन सही होने चाहिए, जैसे कि आपके आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो आपके 3 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर वो सही नहीं हुए, आपके उत्तर सही नहीं हुए, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके उत्तर सही है, तो मान लो आपके उत्तर सही है और आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद में आपको एलएसपीडी कर लो या फिर स्टार्ट कर लो, या आप एनजी में जा रहे हो तो एनजी के सर्वर को, डिस्कॉर्ड सर्वर को आपको ज्वाइन करना होगा। और साथ में एक रूल और है जिसके अंदर आपको आपको मिनिमम रेवल रिक्वायरमेंट है वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होगा। आप मान लो वो 5 इन सिटी 5 ईयर की लेवल मांग रहा है, उसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूँ वो है क्या चीज। आपको एम्प्रेस करना है, एम्प्रेस के बनने बाद में आपको यहाँ पे स्टिक्स दिख रहे हैं, आपको स्टेटस वाला ऑप्शन, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे अब मेरा ये लेवल 1 दिख रहा है ना आपको, ये 1 ईयर है, और यहाँ पे जो 1/4 दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे मैं 4 घंटे खेलूंगा ना तब अब मेरा लेवल 1 कंप्लीट होगा। उसके बाद में लेवल 2 है 8 घंटे का कंप्लीट, 8 घंटे आप इन गेम रहोगे तो आपका लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लेवल 3 है जो 12 घंटे का रहेगा, 12 घंटे खेलने के बाद आपका लेवल 3 कंप्लीट हो जाएगा, और लेवल 4 है 6 आवर का, 16 घंटे का, 16 घंटा आप खेलोगे तो उसके बाद में आपका लेवल 4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लेवल 5 है 20 आवर का, जो कि आप 20 आवर खेलने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लीगल ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कर सकते हो, और एक नियम ये भी है कि आप पेन ज्वाइन कर लिया आपने एक बार तो आप लीगल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर आपको करना भी है तो सबसे पहले आपको गेम को लेव करना होगा, लेव करने के बाद आपको 7 दिन इंतजार करना रहेगा, क्योंकि 7 दिन के बाद ही आप स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना नहीं, ठीक है, वो आपको लेंगे नहीं, आपको निकाल देंगे। और दूसरी बात, आपने स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए आपके फेस पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, आपका क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप प्रेजेंट में जाओ और वहां पे आप जाके बोलो कि मुझे नेम चेंज करना है, आप नेम चेंज करो, आपका इजीली हो जाएगा। आपका इंटरव्यू, मान लो कि इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, तो आप डीएम करोगे जो एचआर को, आप डीएम करोगे, डीएम करने के बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगा, तो वहां पे आपको जाके वीसी के अंदर इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा, वीसी ज्वाइन करोगे, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन पूछने के बाद। उसके बाद में आपका फेस टू होगा ट्रेनिंग, उसके अंदर आपको ये बताएगा कि आपको लोग कैसे अपडेट करना है, कैसे आपको अरेस्ट करना है, ऐसा आपको टूर देगा। उसके बाद आपकी जैसे लेवल 2 का आपका फेस कंप्लीट हो जाएगा, आप ड्यूटी कर पाओगे, ठीक है। दावा अपने चलते हैं नहीं इसी जॉब के ऊपर, इसी जॉब के अंदर अपने चलते हैं आगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से जाओगे तो आपका हो सकता है आपका जो स्कूटर आपने रेंट पे लिया था ऑटो से वो गायब हो चुका हो, तो आप यहाँ से दोबारा वापस आओगे। उसके बाद आप गेट एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक ना करके आप यहाँ पे करोगे रेंट स्कूटर पे, तो यहाँ पे टैप करोगे तो आपको यहाँ बाहर आ जाओगे, ऐसा आपको इंटरफेस शो होगा और यहाँ से आपको स्कूटर मिल जाएगा। उसके बाद आप करंट दबाओगे तो आपको स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा, आपको जाना है पोस्ट ऑफिस जाना है, तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है आपको देखने के लिए वेब के अंदर मैं आपको बता दूँ, इजी रहेगा आपको जाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे मेरा पोस्ट ऑफिस शो कर रहे हैं, ये वाला पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, ये आइकन दिख रहा है ना आपको, ये पोस्ट ऑफिस है, आपको यहाँ पे शो करेगा, तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ठीक है। टैप डबल क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली ये लोकेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा और आप स्टार्ट हो जाओगे, इजीली आप जाओगे यहाँ पर, अपने चलते हैं वहां पे। तो यहाँ पे गेम का एक बात बता दूं कि आप इस एक सर्वर के अंदर 2 ID रख सकते हैं, और एक ट्विंस और एक मेन ID। देखिए एक बात सुनते जाना, आप सोचोगे कि मैं एक ID को स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में रख लेता हूँ और एक क्रिमिनल में रख लेता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल है।
क्योंकि हो सकता है कि आप उस आईडी से जो क्रिमिनल आईडी है उससे आप जो पुलिस आईडी की जो इंफॉर्मेशन है वो आप वहाँ पे शेयर करो प्राइवेटली, और आपको पता भी रहेगा कि हाँ भाई पुलिस कितनी एक्टिवेट है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपकी एक आईडी क्रिमिनल में है तो आप स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, और दो से ज्यादा आप आईडी बना लेते हो एक सर्वर के अंदर तो आपको परमानेंटली बैन पड़ेगा। और अगर आपको बैन से भी बचना है और आपने क्रिमिनल आईडी चला भी दिया है और फेस को आपको सर्वर के अंदर रखना है स्टेट गवर्नमेंट में रखना है तो दूसरी आईडी को भी आपको स्टेट गवर्नमेंट में ही रखना। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आने के बाद आपको पिक पैकेज में क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ से $500 और दे दिए जाएंगे। अब ये देखो मेरे पास $1,400 हो गए ना, काफी सारे पैसा आ गया मेरे पास। अब मुझे जानना है कहाँ पे, अब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाना, तो वहां पे आपको एक गाड़ी मिलेगी, एक एनपीसी मिलेगा, वहां से आप जाके ड्राइविंग ऑप्शन वाला सिलेक्ट करोगे। अब चलते हैं वहां पे, मैं बनाने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है तो वो काफी टाइम कम है और काफी चीजें मैंने डिटेल भी नहीं बताया, रूल नहीं बताए आपको, इसलिए रूल बताने के लिए मैंने अब किया है। तो आप इसके अंदर इजीली पैसा कमाने और टाइम जल्दी स्पेंड करने के लिए आप जॉब कर सकते हो। तो इसके लिए फर्स्ट जॉब आती है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब, इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 के अंदर आपको वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी वहीं पे आपको मिलेगा, उसके बाद आप लेवल 2 पे आओगे तो आपकी सैलरी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, सैलरी बढ़ने के बाद आप वहाँ पे कुछ टास्क कंप्लीट करोगे, टास्क कंप्लीट करने के बाद आपका लेवल 3 हो जाएगा, वहाँ पे आपको 40 टास्क करने होंगे। जहाँ पे आपको एक रेंटल वाला गाड़ी वाला ऑप्शन देखा था ना आपने, वो वाला ऑप्शन भी आप सिलेक्ट करोगे तो आपको पहले जॉब वाले के बाद गाड़ी वाला फिर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी के अंदर ही स्वैपिंग हो जाओगे। तो वहां पे जाने के बाद आप अलग अलग आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको अलग अलग लोकेशन दी जाएगी, वहां पे आप जाओगे ना तो एक टास्क कम्प्लीट करोगे तो आपको $300 दिएंगे। ठीक है, तो आपको $40 कम्प्लीट करने हैं, $40 × $300 $12,000 आपके बन जाते हैं वहां पे। ठीक है, और दूसरी बात आप लेवल 5 जैसे ही कंप्लीट करोगे आपको $25,000 बोनस दे दिया जाएगा। ठीक है, अपने यहाँ पे आ चुके हैं फर्स्ट वाले पे, तो यहाँ पे आप यहीं से आप लाइसेंस ले सकते हो। हाँ, लेकिन आप घंटा लाइसेंस यहाँ से नहीं ले सकते, घंटा लाइसेंस लेने के लिए आपको गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या देखो यहाँ पे आगे लेट एंड ड्राइविंग और ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस यहाँ से ले सकते हो, वाटर ट्रांसपोर्ट अभी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से ये वाला ऑप्शन है ना, ये रेंट स्कूटर वाला ऑप्शन है, आपको जैसे आपको स्कूटर मिलेगा याद रहे। ठीक है, मैं आप यहाँ से लाइसेंस ले लेता हूँ, जैसे आपको एक गाड़ी मिलेगी ब्लू कलर वाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इसके अंदर चलाऊंगा तो गाड़ी को ठोक दूंगा तो मेरा लाइसेंस ले लूंगा, अपने आपको सिर्फ ये जो येलो कलर वाले आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, जाना हो इनको चेक करना है तो सारे उनको, उसके बाद में आपको वापस वही आना है तो वहां पे आने के बाद आपको ऑटोमेटिकली लाइसेंस मिल जाएगा। और गन लाइसेंस के लिए आपके पास बीमा होना चाहिए, इंश्योरेंस बोलते हैं, वो हॉस्पिटल में जाके आप इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, $1,500 का रहेगा, और जो गन लाइसेंस है वो $15,000 का रहेगा। और वहां पे आप स्टेट गवर्नमेंट में जाओगे लाइसेंस बनाने के लिए तो उस टाइम पे जो आपके पास इलीगल रहेगा आपके पास वेपन वगैरह तो वो निकाल देना, अगर वहां पे रहेगा तो वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपका क्राइम के अंदर हाथ आ जाए या फिर आप लीगल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और बता दूं मैं आपको न्यू राइफ रूल वाले रूल के बारे में, तो उसके अंदर कैसा है जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई गैंग आ जाती है मुझे मार दे, तो मैं इस टाइम पे क्या है कि मैं के रीस्वैपन होगा हॉस्पिटल के अंदर तो वापस इस जगह पे 15 मिनट के लिए नहीं आ सकता, और ना ही मैं उस बंदे की आईडी याद रख के उसको ढूंढ के मार सकता हूँ, क्योंकि रिवेंज नहीं ले सकता मैं उसके साथ। ठीक है, और ये है न्यू राइफ रूल, क्योंकि आपको मरने के बाद कुछ याद नहीं रहना चाहते क्योंकि आपका ये नया जन्म है। और वेरिएंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, माइकल डेथ
उसके अंदर क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक बंदा और मान लो खड़ा है, तो मैं उसको बिना मर्जी से मार रहा हूँ ना, बार बार व्हीकल उसके ऊपर से डाल रहा हूँ, तो वो VDM के अंदर आएगा। RDMM के अंदर आता है रैंडम डेथ मैप, जिसके अंदर मैं किसी आर्क रीजन या किसी रीजन, बस मेरे आर्क प्रोसेस नहीं है, मैं एक क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं उसको मार रहा हूँ, तो गन से मारूं या हाथ से मारूं, तो वो RDMM के अंदर आता है, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज और आती है कि आप और किसी की गाड़ी बिना वजह, जैसे कि यहाँ पे कोई गाड़ी पार्किंग खड़ी है, तो आप उसके अंदर गाड़ी के अंदर गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो ये भी एक इलीगल है। इस रूल के बारे में नाम मुझे ज्यादा पता नहीं है, याद नहीं है, पता था मुझे, याद नहीं है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। और खासतौर पर एक नियम आपको मैं और बता दूं कि आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते और एक से ज्यादा एक बिजनेस नहीं खरीद सकते अकाउंट से। तो ट्विम्स अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं अपने, तो आपको मान लीजिए कि मेन अकाउंट के अंदर आप रिच पर्सन हो, तो ट्विम्स अकाउंट के अंदर आप 5 लाख उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो इलीगल के अंदर आएगा, 5 लाख कर सकते हो आप। और ट्विम्स अकाउंट का एक दूसरे अकाउंट से आपको लिंक करना ही, जैसे कि आपका अकाउंट है स्टेट के अंदर अकाउंट है, दोनों अकाउंट को आपको कभी मैरेज नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है कि उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देनी, उसकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देनी, क्योंकि वो इलीगल में आ सकता है और आप उसे बैन हो। और एक नियम आपको मैं बता दूं कि आप इसमें इस गेम के अंदर आपको किसी को गाली नहीं देनी। अगर आप गाली देते हो और वो बंदा आपकी गेम प्ले रिकॉर्ड करके आपकी कंप्लेन कर देता है, तो आप बैन हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैसे कि ये गाड़ी मेरी खुद की है, तो अब मैं दिखा देता हूँ, अब मैं इस गाड़ी के अंदर दोबारा नहीं खोल सकता, क्योंकि वो VDM के अंदर आएगा, उसको व्हीकल को मैं नुकसान पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अपने लाइसेंस हो गया कंप्लीट, और अब देख लो अपने को, आप जैसे फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको एक सुपर कार मिलेगी, लेकिन ये मिलेगी थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा देर के लिए मिलेगी। जैसे कि आप 5 मिनट या 7 मिनट के लिए आप उतरोगे ना, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। अरे यार ये क्या हो गया, उतरोगे ना तो आप ये गाड़ी गायब हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये गाड़ी आपको टेम्परेरी मिली है। इसको आप गेम में फिलहाल जितनी देर घुमाना चाहे घुमा सकते हो, गाड़ी के अंदर हो तो वो आपकी गाड़ी रहेगी। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जैसे कि आपके टास्क कंप्लीट हो जाए ना, आपके पास डॉलर आ जाए 35,000 36,000 आ जाए, उसके बाद आप गाड़ी खरीदे, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर आप अपनी जो चीजें हैं जैसे इलीगल चीजें हैं वो रख सकते हो। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि इलीगल चीजें आप गवर्नमेंट पार्किंग के अंदर जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, आप कहीं भी जाओगे ना, तो वहां पे आप ना ये चीजें गाड़ी के अंदर मत रखना। अगर गाड़ी का चेकिंग हो गई, एनजीएस कर लो, पुलिस स्टेशन के पास कोई भी चीजें जगह है, ऐसी जगह जहाँ पे आपकी गाड़ी चेक हो सकती है, तो वहां पे आपको बैन पड़ेगा, ठीक है, वहां पे आप ऐसा मत करना। इसके अंदर ये आपको जो सामने गाड़ी वाली दिखती है ना, ये गाड़ी ये शॉप सी, इसके लिए आपको लेवल 5 चाहिए और प्रैक्टिकल लेवल आपको 3 चाहिए, ठीक है। पर 5 ग्रेड के लिए भी आपको लेवल 5 चाहिए, आपका मिनिमम लेवल 5 होगा तो आप खेल पाओगे उसको, वो जोर कर पाओगे। देखिए कुछ जॉब है, जैसे कि आप एक पायलट बनना चाहते हो, तो उसके अंदर जॉब काफी है, आप हर घंटे 12 से 16 हजार रुपए डॉलर कमा सकते हो। लेकिन ये इन गेम की मनी है, आप इसको ऐसा मत सोचना कि ये रियल लाइफ मनी है, ऐसा नहीं है, रियल लाइफ मनी नहीं है ना। इसके अंदर आप रियल लाइफ मनी से आप ग्रैंड कॉइन खरीद सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको ग्रैंड कॉइन को रियल लाइफ के मनी के बराबर आप नहीं दे सकते, याद रहे। आप डॉलर के अंदर बेच सकते हो, गेम की मनी है, इसके अंदर आपको बेच सकते हो, लेकिन आप रियल लाइफ के अंदर नहीं बेच पाओगे, बेचते हो तो आपको कार्रवाई करी जाएगी, आप बैन भी हो सकते हो, ठीक है। अब हम जा रहे हैं फार्मिंग जॉब के लिए, ठीक है, वहां पे आपको 5 बेड एक टास्क मिलेगा, वो आपको कंप्लीट करना रहेगा। अब हम बात कर रहे थे माइक वगैरह की, तो माइक का जो रीसेट ऑप्शन है वो F6 से आपका लगेगा सीट बेल्ट, ठीक है।
एफएड से आपका माइक रीसेट हो गया, जैसे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी को, तो आप एफएड प्रेस करोगे ना, उसके बाद आपका माइक ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास पीसी है पर आपके पास माइक नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ। आप एक एंड्रॉइड फोन के अंदर भी आप ऐप यूज कर सकते हो और पीसी के अंदर भी है। तो उससे क्या है कि जैसे कि आपको ना ही कोई केबल लगानी है, ना ही कुछ करना है, आपको सिर्फ इंटरनेट के थ्रू आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उससे ऐप का नाम है ऑडियो रिले। ठीक है, वो आप फोन ब्राउजर पे जाओ और वहां से आप उसको डाउनलोड कर दो। अरे भाई सीट बेल्ट हमने लगाया नहीं था ना। हाँ, आप सीट बेल्ट ना लगाने के ये रीजन है। आप उसको रियल लाइफ पे सोच के देख लो, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया आपके साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रहे, तो इसलिए आपको सीट बेल्ट लगाना है गेम के अंदर भी और रियल लाइफ के अंदर भी। अभी अपने भाई लगा लेते हैं सीट बेल्ट, आपने लग गया, आप सिक्स प्रेस किया, आपने लग गया सीट बेल्ट। और आप जैसे कि आप पुलिस ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद ना आपको जो रोड के ऊपर मार्कर दिख रहे हैं ना, जैसे कि 60 की स्पीड, 70 की स्पीड, तो उसी स्पीड के अंदर आपको चलाना पड़ेगा। अगर आप किसी क्रिमिनल को पकड़ ले रहे हो, उसका पीछा नहीं कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में अगर आपको कोई दूसरा पुलिस वाला देख लेता है तो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है और आपको ये काफी बुरा लगेगा, क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो आपको बुरा तो लगेगा भाई। इसलिए आप रूल और कायदे में रहे तो बेहतर रहेगा। और हम स्क्रीन रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करें, क्योंकि आप ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर यूज ना करें, क्योंकि इनके अंदर आप सर्वर के अंदर आप जाओगे ना, आप पूछ सकते हो। ठीक है, सर्वर के अंदर आप पूछ सकते हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर सही है, और मैं तो बेस्ट करूंगा कि आप रेकमेंड करने के बाद अगर नवेद जाएगा तो स्क्रीन रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर रहता है वो, या AMD का है पता है वो करना। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर करते हो तो आपको बैन पड़ सकता है भाई। अगर आपको आईडी का अटर नहीं है, आप सोच रहे हो कि जितना दिन खेला उतना सही, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खेल सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको अपनी आईडी प्यारी है भाई, मेरी आईडी जानी नहीं चाहिए, प्रोसेस नहीं जानी चाहिए, तो इसके अंदर आप एक बिजनेस और एक होम दे सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं फार्मिंग जॉब के लिए अंदर। लो भैया, तो अपने यहाँ पे गेट एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो अपने को मिली जॉब। अब चलते हैं अपने टास्क कंप्लीट करने। ठीक है, अपने लेवल बन गए हैं। अब जैसे कि मैं सोच लू कि मैं ये हेलीकॉप्टर उड़ा के लेके जाऊंगा, तो मैं लेके नहीं जा सकता, क्योंकि ये इस बंदे का हेलीकॉप्टर है, वो खुद ही उड़ा के ले जा सकता है, मैं नहीं, क्योंकि ये परमिशन नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म और है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी, तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर आप जाते हो ना, तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर एक चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे इस कैरेक्टर को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और ये खासतौर से जैसे कि अब मैं इसको भगाऊंगा ना, मैं जितनी दूर भगाना था भगा सकता हूँ, इसकी सांसें नहीं फूलेंगी और उसके अंदर भैया फूल जाएगी, आप उसको नहीं जूदा भगा सकते इतनी देर, उसमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सोना भी लगता है। तो आप समझ गए होंगे मैं किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म के अंदर आप किसी का भी व्हीकल चुरा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं। हाँ, इसके अंदर आपको वाइटल चुराने हैं तो आपको गैंग और बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा, और आपका लेवल भी अप होना चाहिए। लो लेवल के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप ये करो, ये करो, वो करो, और लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, एक नया सर्वर आने वाला है इसी के अंदर, तो उसको आप ज्वाइन करने के लिए ये कर सकते हो। उसके अंदर मैं आपको गेम्स के अंदर भी जॉब दिला सकता हूँ, LSPD के अंदर भी जॉब दिला सकता हूँ, NC के अंदर भी जॉब दिला सकता हूँ। आप बोलोगे ना, उसके अंदर मैं आपको जॉब दिला दूँ। ठीक है, आपको वहां पर ज्वाइन करना और आपको खेलना है, सिर्फ इतना ही करना, और सर्वर आपके पास फ्री रहेगा। ठीक है, हमारा टास्क ये कम्प्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखो कि अब इसके अंदर फिलहाल चल रहा है, तो ऑप्शन चल रहा है कि आप जितना आप एड मनी करोगे ना, उसको आपको डबल मिलेगा।
अब मैं यहाँ पे सपोज करो कि एक कॉइन ग्रैंड कॉइन बाय करूंगा ना, तो आप अपने देते हैं पेपैल से ले लेते हैं, अपने लेना नहीं है, मैं आपको इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ ऐसा लेने के लिए, तो आप यहाँ से 10 BTC कर लो। तो यहाँ पे आपको काफी कुछ महंगा पड़ेगा भाई, जैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, मांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बाय कर सकते हो इस प्रकार से। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है तो आप बाय कर सकते हो, चाहो तो बाय करो वरना नहीं करो भाई, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, अब हमारा टास्क एक टास्क होगा, वहां तक तो जाएंगे, इसको टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे 494 आप करोगे ना तो आपका लेवल 1 कंप्लीट होगा भाई। हाँ, इस जॉब की एक खासियत है कि आपको बार बार ई प्रेस नहीं करना है, लेकिन आप जैसे ही 20 टास्क कंप्लीट करोगे तो आपको ये 12 घंटे दोबारा से करनी पड़ेगी भाई। अपने यहाँ तक कर लेते हैं भाई। चलो अपने यहाँ से कर लिया, इतना काफी है, 8-9 टास्क कंप्लीट कर लिए। तो अब अपने इस जॉब को लेव करेंगे ताकि हमें दूसरी जॉब पे जाना है। हमारा वाइटल अभी तक शायद खड़ा है भाई, शायद इस सर्वर के अंदर ये गायब नहीं होगा, लेकिन दूसरे सर्वर के अंदर है। सर्वर E1 और 3 है, सर्वर E1 2 में मैं दोनों में खेल रहा हूँ, 1 और 2 में, तो वहां पे ये गाड़ी भाई मेरी गायब हो गई थी। अब शायद ये गाड़ी मेरी है या किसी और की है, मुझे मालूम नहीं है, अब इसके अंदर चढ़ने के बाद ही पता चलेगा भाई ये गाड़ी मेरी है या नहीं है। लग तो भाई मेरी रही, हाँ मेरी है गाड़ी, ये गाड़ी अभी गायब नहीं हुई, शायद पता इस सर्वर के अंदर होती है नहीं, अलग अलग सर्वर के अलग अलग रोल होते हैं भाई, सारे सर्वरों के रोल पढ़ लिए। अब ये देखो ट्रांसफर रिटर्न टू द ओनर, मतलब ये गाड़ी जा चुकी है, ऐसा होता है। हो भी ना गए इस प्रकार से, हो सकता है ये, तो मैं स्पीड में नहीं था जब बहुत ज्यादा, अगर स्पीड में होता तो मुझे मेरी काफी हेल्प ज्यादा जाती। और यहाँ पे शायद ये गाड़ियां खड़ी है ना, ये कुछ गाड़ियां रेंट पे भी होती है, तो मैं यहाँ से भाई अपने स्कूटर ले लेते हैं यार। ठीक है, अपने स्कूटर लेके जाएंगे भाई, मेरे पास बच्चा ही है। और यहाँ से आप जगह जगह आपको पी मैप के अंदर पी दिखेगा, वो पार्किंग स्पेस है, वहां से आप पार्किंग ले सकते हो, पार्किंग लोगे तो आपको गाड़ी फ्री मिल जाएगी। 1,000 डॉलर की होती है, कहीं 1,500 डॉलर की होती है, तो वहां से अलग अलग रेट है भैया, आप चेंज कर सकते हो। एक दिन का है वो, एक दिन के लिए मिलेगी आपको, 7 दिन के लिए आप मैक्सिमम एक बार में आप गाड़ी ले सकते हो 7 दिन के लिए, और 7 दिन के बाद आपको जैसे कि आप 6 दिन हो गए तो आप सकते हो, है ना, इस प्रकार पे आपको खेलना पड़ेगा भाई। और अगर आप गाड़ी अपनी खुद की ले लेते हो ना तो वो गाड़ी आपकी रहेगी, वो गाड़ी आपकी रहेगी, लेकिन पार्किंग है तो आपका पैसा लगेगा भाई, जब तक आप अपना खुद का घर खरीद नहीं लेते तब तक आपका पैसा लगेगा पार्किंग। लेकिन एक चीज जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे आप गेम एग्जिट कर रहे हो, एग्जिट के टाइम आप होटल में जाके एग्जिट करते हो वहां पे पार्किंग करके, तो वो गाड़ी आपकी वहां से गायब नहीं होगी, वो वहीं पे रहेगी। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पे मर जाते हो जैसे कि अभी मुझे ये हाईवे पे था, मुझे कोई मार के चला गया, तो वो गाड़ी मुझे पार्किंग स्पेस से ही लेनी पड़ेगी वापस, रीच वापस मैं उसको पार्किंग स्पेस से कर पाऊंगा। अगर आपके पास घर है तो वहां से आप घर की पार्किंग में जाके आप कर सकते हो, है ना, तो ऐसे कुछ रूल्स है भाई बहुत ज्यादा। तो गेम के अंदर ऐसे फीचर भी हैं और ऐसे अननोन फीचर भी हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे फीचर पसंद आए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप 60 दिन के लिए रोज आप खेलने के लिए टाइम चाहिए ना हो, तो आप 10 मिनट टाइम निकाल के आप वो गेम को लॉग इन करके आप जो उसके अंदर आपको डेली टास्क के लिए जो मनी मिलेगी ना वो आपको रिसीव करते हैं डेली, तो आपको 60 दिन के बाद लेवल 3 का ऑटोमेटिकली आपको बैग मिल जाएगा और गाड़ी भी मिलेगी, है ना।
आपको उसके लिए कुछ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ एक या दो मिनट आपको गेम को स्टार्ट रखना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर आपको ज्यादा टाइम है और आप डेली टास्क कम्प्लीट कर लेते हो तो आपको बहुत इजी और ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेंगे आपको, और ज्यादा आपका लेवल भी कम्प्लीट होगा। अभी अपनी बात कर लेते हैं लेवल 5 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल कितने आवर लगेंगे। 4 घंटे तो ये हो गए भाई, ठीक है, और 12 घंटे वो हो गए, कितने हो गए 16, 8 और 4 12, लेवल 2 में 8 घंटे है भाई, 12 और लेवल 3 के अंदर 12 है तो 24 और लेवल 4 के अंदर 16 घंटे है, 6 और 30 और 40 घंटे हो गए, और लेवल 5 के अंदर आपके पास 20 घंटे, 20 घंटे का लेवल 5 है तो उसके अंदर हिसाब से आपको 60 घंटे आप टाइम स्पेंड करोगे गेम के अंदर, इन गेम आप खेलते रहोगे तब आपका लेवल 5 कंप्लीट होगा भाई, मैं पहले ही बता दूंगा। अब आप गेम प्ले का आनंद ले लीजिए भाई, मैंने जो बताना था मैं बता चुका हूँ। और आप आपको एक चीज मैं और बता दूं यार, आप अगर गेम खेलना चाहते हो तो मैं इसकी ग्रैंड आरपी की लिंक भी आपको दे दूंगा, और प्रोमो कोड भी आपको शायद मैं ले दूं दे पाऊं, तो मैं एक बार आज नहीं दे पाया तो मैं भी 2-4 दिन के अंदर उसके अंदर एडिट करके मैं उसको डाल दूंगा प्रोमो कोड, उसको आप करोगे ना तो आपको पैसे मिलेंगे, है ना, इन गेम आपको मनी मिल जाएगी। तब तक के लिए आप गेम का मजा लीजिए भाई। अरे अरे बाइक है पता नहीं क्या, अरे भाई मार देता है तुम तेरी, तो अपने साइड में चले भाई मार देंगे ऐसे, स्कूटर इतना सेफ नहीं है बहुत ज्यादा, स्कूटर पे आपको कोई भी रोक सकता है भाई। आपको मैं बताता हूँ, आप स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप इस जैसे कि आप यहाँ पे गैंगस्टर जोन है, गैंगस्टर जोन के अंदर आप नहीं आ सकते विदाउट परमिशन के, ठीक है, आपको लेटर की परमिशन लेनी होगी, आपको कौन गए पे साथ हो गया। और एमजी जॉब के बारे में हमने बात कर लेते हैं भाई, अपने खेल रहे तो साथ में बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एमजी जॉब के लिए आपका लेवल भी मांगेंगे, वो आपका कंप्लीट होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा, तो उसके अंदर आपको जॉब के बारे में बात कर लो। सबसे पहला काम होता है उनका खुद का बेस कॉन्टैक्ट कर, ठीक है, वो खुद के बेस को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड काम होता है उनको, जैसे कि पुलिस वाले हैं तो उनको हथियार और सप्लाई करेंगे, वो हथियार की सप्लाई वही देंगे, ठीक है। और आप एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जो डॉक्टर लोग हैं उनको ना तो आप लूट सकते हो ना उनको आप मार सकते हो, क्योंकि वो इलीगल है, आपको जेल भी होगी और बैन भी हो जाए शायद, ठीक है, तो आप ऐसा भाई है ना, आप अच्छे रहना, रूल को सारे फॉलो कर लेना भाई, आईडी बैन होगी ना एक बार तो आप दोबारा उसको हार्डवेयर लेवल पे किए गए, और अगर परमानेंट बैन होगी ना तो ऐसा सोच लेना कि
आपकी आईडी गई, आपको नई आईडी से भी आप नहीं खेल पाओगे क्योंकि हार्डवेयर के लेवल पे होता है, आपको पूरा कंप्यूटर बैन हो जाता है उसके अंदर, जो आपका आईपी एड्रेस है, कंप्यूटर का नाम है, वो सब कुछ। इसके अंदर काफी EN2 और EN3 के जो सर्वर है उनके अंदर काफी कुछ भैया चेंजेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं EN3 के अंदर क्यों आया। 3 के अंदर आने के पीछे मेरे को एक रीजन है भाई, आप यहाँ पे आओगे ना ये कॉपर सेल करोगे, मेरे पास 15 कॉपर है मैं इसको सेल कर देता हूँ भाई, 6 डॉलर ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक बारी के लिए, तो आप यहाँ पे लीगल चीजें ही आप करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इन चीजों को आप बेच सकते हो ब्लैक मार्केट के अंदर, जिससे आपको काफी पैसे मिलेंगे, लेकिन करो यहाँ पे इसके अंदर ये ऑप्शन है आपको, देखो तो इसके अंदर ये आपको चीजें काम नहीं आए, आप बॉडी आर्मर ले सकते हो। ठीक है, बॉडी आर्मर आप बेच सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भैया बॉडी आर्मर ही लूंगा ताकि मैं उसको बेच पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ओपन करने के लिए 7 डॉलर चाहिए होगी, वो मेरे पास है नहीं अभी, आपने यहाँ से इसको वापस कर देते भाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बार एक प्राइम मिल जाएगा, तो उसको आप यूज मत कर, क्योंकि तो जैसे कि आप सोच ले तो मेरा उसके अंदर क्या है कि EN2 के अंदर मैं खेल रहा था, तो वहां पे क्या है कि गलती से मेरा गैंगस्टर जॉइन हो गया, गेम गेम हो गया, जिसकी वजह से मैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा सकता और ना ही मैं टेंस अकाउंट बना के भी जा सकता हूँ, क्योंकि वो भी इलीगल है। और गेम से बाहर जाने के लिए क्या है कि आपको ये चाहिए होगा प्राइम, प्राइम के बिना आप नहीं जा सकते बाहर नहीं निकलते, या फिर गेम का जो लेटर है वो आपको निकाल सकता है और आपको कोई नहीं निकाल सकता वहां से। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सोच समझ कर ज्वाइन करें, एक बार ज्वाइन करने के बाद आप उसको लोन नहीं ले सकते। हाँ, आप लीगल ऑर्गेनाइजेशन है उसको इजीली आप लेव कर सकते हो, लेकिन जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आपको वो जाने नहीं देंगे, कई बार जाने दें तो जाने दें, वरना नहीं दे तो नहीं दे, वो लीडर के ऊपर डिपेंड करता है चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो अब हमारा जॉब है पार्किंग से गाड़ी उठाना है, अपने को गाड़ी लेना है, तो अपने ऐसी जगह से गाड़ी लेंगे जहां से आप हमें इजी रहे उठाने के लिए, हम होटल के पास से लेंगे या ऐसी जगह से लेंगे, लेकिन एक बार वहां पे अपने को जाना पड़ेगा, क्योंकि तो गाड़ी देने के लिए नहीं जाएंगे तो ये टास्क कंप्लीट नहीं। अरे भाई ये बीमारी है इस स्कूटर की भाई, अब ये देखो बोलो, ये टैक्सी वाला मार के गया है जानबूझ के, ये मीडियम के अंदर आता है भाई, ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये रिडीम के अंदर आई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं गेम्स जोन के अंदर हूं तो मुझे तो होस्टेज सिचुएशन के अंदर तो ले सकता है, लेकिन मुझे लूट नहीं सकता क्योंकि मेरा इन गेम लेवल बहुत ज्यादा लो, मुझे कोई नहीं लूट सकता भाई। ज्यादातर आपको यही पार्किंग वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से एडवांटेज मत लेना भाई, या तो इन गेम के अंदर आप जाओगे ना तो बहुत ज्यादा दूर रहती है आपकी पार्किंग स्पेस, बस अपने को इतना ही था, तो यहाँ से अपने डेस्टिनेशन को कम्प्लीट कर लिया।
अब वो डेस्टिनेशन लौटता है ठीक है, तो अपने हाथ से गाड़ी लेना मैं प्रेफर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। देखो जैसे कि होटल अपना ये है ठीक है, तो यहाँ से आप गाड़ी ले सकते हो, ये नजदीक में रहेगा, बहुत ज्यादा नजदीक में, ये वाला काफी दूर है भाई, तो अपने सिटी पार्किंग स्पेस हो जाएंगे भाई, गाड़ी को बाय कर लेना। अब देखो यहाँ से दूरी काफी दूरी है और यहाँ से बहुत कम दूरी, आप एटीएम नजदीक में है, ऐसे कैसे भी निकाल सकते हो, पेट्रोल पंप भी नजदीक है ठीक है, और ये आप ये वाले पार्किंग लेते हो तो आपको यहाँ से सस्ता पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा गाड़ी, क्योंकि पार्किंग की नजदीक पार्किंग होगी ना, वहाँ पे क्या जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा लो रहेगी। और आप सोच रहे हो कि भाई हम सिटी से बाहर जाके ना जहाँ पे सापा जो एरिया है वहां पे जाके हम पार्किंग लेंगे, तो वहां पे भैया पार्किंग आपको $5,000 की पड़ेगी एक दिन। अरे भाई ये ऐसा क्या है यार, तू यार बंदा है या तेरे को बाइक चलानी नहीं आती क्या, रैंप पर गिर जाता है बार बार बच्चा है। देखो हाँ बच्चा ही है भाई, ये इंडियन लोन लो है तो बच्चा ही मानो। आप इस गेम के अंदर ना आप टैक्सी लोगे तो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ बंदे होते हैं जो $100 एक किलोमीटर के लेते हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं कि आपसे $1,000 भी ले सकते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनका अधिकार है वो ले सकते हैं, आप जब करते तो आप भी ले सकते हो, लेकिन आपको इसमें रियल प्लान नहीं मिलेगी, क्योंकि इनमें रियल प्लान आपको सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से चलते हैं भाई, रियल लाइफ थोड़ी ना है कि भाई पेट्रोल लगेगा, और इसके अंदर लगता है लगता है बंदा बोलता है खेलेंगे तो लगेगा है ना, और रियल लाइफ के अंदर बंदा ऐसा सोचता है कि भाई हाँ अपने यार गाड़ी की मेंटेनेंस भी महंगी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर कोई आता है, जिसके अभी मेरा भी सोच लो, मैं अभी पार्किंग में जा रहा हूँ वहां से गाड़ी लूंगा और अपनी गाड़ी से चलूंगा भाई है ना, तो एक दिन में बंदा कितनी देर खेलेगा, घंटा या दो घंटा खेलेगा मैक्सिमम, तो तब तक के लिए उसका फील खत्म नहीं होगा, तो $1,000 के बजाय $5,000 कमा लेगा, मिनिमम आप मानो $5,000 आप डेली कमाओगे गेम के अंदर, तो उससे आपका $1,000 आपका लग गया तो $4,000 आपके जमा हो रहे हैं, साथ में आपका गेम प्ले लेवल है वो भी बढ़ रहा है, तो आप गाड़ी लोगे, आप बोलोगे यार गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको बस इंतजार है कि आप स्कूटर से जाए, जितनी देर जाना आपको स्कूटर से जाओगे ना तो आपको काफी प्रॉफिट होगा, क्योंकि स्कूटर आपको फ्री मिले, तो इसके अंदर जो पेट्रोल है हर बार आप नया स्कूटर लोगे तो आपको पेट्रोल भी फ्री मिलेगा, थैंकफुल मिलेगा भाई है ना। अपने देखते हैं अपने कौन कौन सी गाड़ी मिलेगी, मेरे सबसे तो राइट मिलनी चाहिए, और तो कोई ऑप्शन देगा नहीं है। अब देखो ये पार्किंग वाला पूछ रहा है कि आपको पार्किंग चाहिए, हाँ मैंने बोला पार्किंग चाहिए, $1,000 की पार्किंग है भैया, सस्ती है कोई दिक्कत नहीं है, उस जगह पर भैया अच्छा अच्छा और आपको एक फोन भी खरीदना होगा जो आप सस्ते स्टॉक से खरीदोगे ठीक है ना। अभी इसने मेरे को गाड़ी दी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, अगर गाड़ी दी होती अब पार्किंग में जाके ले ले भाई पार्किंग स्लॉट पे, हाँ यहाँ पे जाके इंटरेक्ट करेंगे तो ये जिंदी गाड़ी में लेंगे, फिलहाल तो जैसे अपना लेवल आप होता जाएगा अपने को गाड़ी भी बढ़िया मिल जाएगी, तो अपने इसको एक दिन के लिए लेंगे भैया, ज्यादा दिन के लिए लेंगे, पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अपना ये टास्क था इसलिए अपनी गाड़ी ले रहे हैं, और गाड़ी लेने का कोई प्रयोजन नहीं है अपना। अब ये गाड़ी आगे खड़ी है तो मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता भाई, कोशिश यही करो कि आप इसको नुकसान न पहुंचाओ, अगर बंदे ने गेम प्ले रिकॉर्ड कर लिया आपके खिलाफ को कार्रवाई करवा सकता है, तो अब अपना टास्क क्या रह रहा है, वो अभी मेन टीम टास्क होते हैं डेली टास्क होते हैं वो कंप्लीट करेंगे, और यहाँ से अभी अपने को चूज करने के लिए कार का ऑप्शन मिल रहा है, पहले कौन सी कार सिलेक्ट करें भाई, अपनी ये वाली देखिए आपने $4 भी दे दिए,
और लेवल 4 का वो भी अपने एक बार परी तुम्हें करना होगा। तो देखते हैं वो गाड़ी मिलेगी क्या आपको। गाड़ी की खासियत यही है यार, वो थोड़ा पहले मिल जाती ना अपने वही लेके जाते। हाँ इसके अंदर आप दोबारा गाड़ी नहीं ले ले सकते, एक्सटेंशन कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। ठीक है मैं कैंसिल नहीं करूँगा, मैं गाड़ी को रखूँगा भाई अपने, कल ले लेंगे वो दूसरी वाली गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। अपने उसमें सीट बेल्ट लगा देते हैं भाई। और वैसे कि मैंने बोला कि तीन टास्क होते हैं डेली के, तो यहाँ पे अपने टास्क देख लेते हैं भैया टास्क 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 क्या है। तो यहाँ पे हमें एक सेंटर के अंदर जाके अपने को ड्रिंक सेल करनी है, और एक कॉल एनी प्लेयर इसी में कॉल कर लेना, और आपको स्टेडियम में जाना है। ठीक है तो उसके बाद आपको एक टास्क मतलब आपको पॉइंट मिलेगा, और आप डेली खेलोगे ना, अभी फिलहाल चल रहा है इसके अंदर ग्रैंड पॉइंट का ऑप्शन चल रहा है, आप डेली खेलोगे तो आपको पॉइंट मिलेगी, तो आप जितने ज्यादा कॉइन इकट्ठा कर सकते हो कर लो। ठीक है सबसे पहले अपने ड्रिंक करने जाएंगे भाई अलग बैठ के। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना भैया, आप ड्रिंक एंड ड्राइव मत करना, अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया आपको तो आपसे चलाना पड़ेगा आपको। और एक बात और बता दूं आपको, आपको जहां भी गाड़ी पार्क करनी है ना पार्किंग के अंदर करना, और गवर्नमेंट पार्किंग के अंदर तो बिल्कुल मत करना भैया, वहां पे तो आपको चलान पड़ेगा बहुत भारी। ठीक है पार्किंग के अंदर गाड़ी छोड़ दो जाना आप। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जैसे आप अपनी खुद की गाड़ी लेने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप नंबर प्लेट है वो अपनी गाड़ी के हिसाब से लोगे, तो वरना आपकी यहाँ से लेवल अप होते जाएंगे और गाड़ी चेंज होती जाएगी तो आपकी नंबर प्लेट भी बेकार होते जाएगा पैसा। और इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी लें, और जितना ज्यादा लेवल कम में आप गाड़ी लोगे ना उतना आपको जो नंबर प्लेट है वो सस्ती पड़ेगी, वरना महंगी बहुत रहेगी भाई। तो ये गाड़ी पार्किंग में है ना, तो ये गाड़ी बहुत गलत पार्किंग है भैया, अपने इस हिसाब से पार्किंग नहीं करेंगे। अब इस बंदे ने पार्किंग की है, ये बंदा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, सिपर गाड़ी भी काफी अच्छी है, तो इस प्रकार से हम पार्किंग करेंगे ताकि अपनी गाड़ी कोई उठाए ना। इनको पार्किंग के अंदर ये मतलब नहीं है भाई आप रोड ब्लॉक रहे नहीं, तो कहीं भी आपको चलान कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से छुट्टी रहेगी वो वाली तो ये सबसे सस्ती ड्रिंक है, तो ये वाले बाय कर सकते हैं, क्वांटिटी एक ही रखेंगे ज्यादा नहीं रखेंगे, 500 ग्राम रुपया लाइक जब ये क्या रहे इनको। अच्छा स्पेस नहीं है भाई मेरे पास बिल्कुल, हाँ अब मिलेगी मेरे इसलिए आपको लेवल 1 का लेवल 2 का आपको गैप बहुत ज्यादा मिलती है। अब हम इसको यहाँ से कर लेते हैं यूज। अब ये भाई ठीक है ना पूरा टंडी हो जाएगा, अब इस प्रकार से कुछ देर इसका इफेक्ट रहेगा, आप चलोगे कहीं आपको दिखेगा यार ये गलत है। लेकिन हाँ इसके अंदर एक चीज होनी चाहिए थी, जैसे कि आपका ट्रैक्टर है ना जैसे के अंदर हालात में होने के अंदर आपको ना इधर उधर चलने में तकलीफ होनी चाहिए, तो वो ट्रैक्टर गिरना चाहिए था, गिरता हुआ चलता बहुत मजा आता, ये तो आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रकार से दिखना मतलब कुछ जैसे ये आपने रियल लाइफ के अंदर देखने के लिए कमजोर शरीर के अंदर कमजोरी होती है उस तरह का ये इफेक्ट है, नशे के अंदर जो आपको इफेक्ट होता है वो नहीं। तो
भाई बाबू गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है, आपने इसी जगह पे जाके भैया को देखेंगे उसके बाद देखेंगे अपने भी क्या कर सकते हैं। ठीक है तो अपने यहाँ से अभी नेक्स्ट टास्क अपने देख सकते क्या है, एक टास्क अपने लेवल में कंप्लीट हो चुका है, अभी कॉल है नहीं प्ले, इसके लिए अपने को सिम कार्ड भी लेना होगा, उसके अंदर रिचार्ज भी कराना होगा। तो चलते हैं सिम कार्ड के अंदर, वहाँ पे स्टोर रहते हैं भैया नजदीक के अंदर, तो आप देखो कि आपको जितना सस्ता स्टोर मिलेगा वहां से लो, आप हर स्टोर पे जाओ आप पता करो, लेकिन आप जितना ज्यादा स्टोर में घूमोगे ना उतना आपका गाड़ी का फ्यूल खत्म होगा और आपको उतने ज्यादा लॉस भी होगा, तो इसलिए स्टोर चूज करो पर सही स्टोर चूज करो। मुझे इतना पता नहीं है भाई कौन सा स्टोर चूज करना चाहिए और कौन सा नहीं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो भाई। अब सर इसको अभी तक है उसको शायद तक ड्रीम का देखो बंदे के तो माइक का ऑप्शन दिख रहा ना जो उनकी बातें करने का ऑप्शन है यार, ये तो खुला नहीं है पता नहीं। अच्छा आगे वाला गेट है, मतलब यस ब्रो आई सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट यू कैन हेल्प मी। बंदे हैं देखो बोले यार बाइक के अंदर घुसा दी वो लोग, ये लाइक अ प्रोफेसर सौ प्रोडक्ट अपने एक तो लेवल बैग टू लेंगे, 3,000 का पड़ेगा लेवल वन का बैग ले लेते हैं भैया, क्योंकि जरूरत है इसकी, जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर अपने ये बैग नहीं लेंगे तो अपने स्लॉट नहीं खुलेंगे नीचे वाले, और बैग पैक के लेते हैं अपने स्लॉट को, ठीक है इसके अंदर आप अपना सामान भी खरीद सकते हैं, अपने को अभी सिम कार्ड भी लेना है। आप बगैर जरूरत की चीजें ना खरीदें, तो जरूरत की चीजें हैं तो आपको डिजिटल आपको एक नंबर शो करना होगा, जिसके भी मैं आप एक नंबर डाल देता हूँ 9400024429, कितने नंबर अगर इच्छा है और अपने को 7 डिजिट का नंबर चाहिए तो उसके लिए 0 और लगा देते हैं। हाँ अपने को नंबर मिल चुका है, इसलिए अपने पास अभी फिलहाल बंदा रह रहे हैं 1600 बंदा रह रहे हैं, तो अपने को रिचार्ज भी करवाना बैलेंस भी करवाना है, फिर उसके बाद कॉल करेंगे किसी को। यस इन द डिस्कॉर्ड एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। या ओके ब्रो थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑलराइट वेलकम मीट यू ऑलराइट ब्रो बाय बाय। आप डेली टेस्ट करोगे ना तो आपका जो आरपी लेवल है वो अप होगा, ना कि आपका इंजन का लेवल जो ट्रैक्टर का लेवल है वो अप होगा। अरे भाई ये गिर कैसे गया, मैंने तो उसको मारा ही नहीं। अरे इसके अंदर बैलेंस बनवाना होगा, बैलेंस बनवाने के लिए आपके पास अगर 15,000 डॉलर है आपके पास यहाँ पे, जैसे कि मेरा 1600 डॉलर दिखा रहे, तो यहाँ से आप इजीली परचेज कर पाओगे नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास इतने है नहीं तो मैं भी नेट पे ले सकता। तो यहाँ पे अभी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना कि फोन मोबाइल पेमेंट है ना, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। अभी मैक्सिमम आप इसके अंदर 5,000 डॉलर डाल सकते हो, लेकिन मैं आप इसके अंदर 3,000 डॉलर डाल दूंगा। ठीक है तो मेरा सारा गैस खत्म हो चुका है, मैं यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर सकता कुछ भी, मेरे पास पैसे नहीं है, और यहाँ से मैं अगर फिर भी फाइल ले लेता हूँ। अच्छा और चैरिटी के अंदर आप पैसे दे सकते हो, आप विड्रॉल भी कर सकते हो बैलेंस और ठीक है,
or pay religious or pay home or with the family or काफी कुछ है तो ये आप ऑप्शन सिलेक्ट ना करें क्योंकि ये लेवल में आता है। अगर आप बैंक ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। अब मैं किसी को कॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे किसी का नंबर नहीं शो हो रहा है, तो अपने रैंडम नंबर लगा लेते हैं। 9 4 7 0 और है ना 7 नंबर कॉल कर लेते। ठीक है आउट ऑफ करें, ठीक है तो अपने एक नंबर और देख लेते हैं। शायद कोई नंबर अपना लग जाए। ठीक शायद अपने टास्क कंप्लीट हो गया, आपने चेक कर देते हैं पे। ठीक हो जाए, नहीं भाई ये हुआ नहीं है। ठीक है ये हुआ नहीं है अभी, तो अपने को बाल के लिए करना पड़ेगा इसको। अपने पास भेज देते हैं तो यहाँ पे आपकी डायरी के अंदर अपने करेंगे तो बाय यहाँ पे लिख लेंगे अपने को नंबर देगा। ठीक है लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप बैक पैक पर फैल तक आप ट्रेड भी कर पाओ, तो ट्रेड कैसे करना वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप आओगे ना क्या पड़े ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप बैक पैक ले लेना। ठीक है अभी ये हमारा शायद कौन सा लेवल 3 के लिए है, तो ये चीजें सही होंगी। तो ये आपके पास नहीं है चीजें, अपने इंटरनेटों को दोबारा से क्राफ्ट किए जाते हैं, देखते हैं। मैंने पीछे किया था और लेवल 2
का ये बैकपैक है, आप देख सकते हो इस कलर का है, मेल 3 का येलो कलर का और मेल 1 का वाइट है। ठीक है, आप बाय कर सकते हो। भी यहाँ से आप प्रोमो कोड लगा सकते हो, मेरे पास फिलहाल है नहीं, बगल मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे नंबर मेरे पास है नहीं, मैं करते लिख कर देते हैं वो जिसका यहाँ से देखो ये बाई कर सकते हो आप, ठीक है आपको फिर से चाहिए। तो ये इलीगल चीजें हैं, अपने नहीं करेंगे भाई। सबसे पहले अपने लिपिक ड्रॉप करेंगे, ताकि अपना लेवल अप हो सके। और हाँ आपको मैं एक चीजें बता दूं, जैसे आप गेम को बाहर जाते हो ना, गेम से गेम को एग्जिट करते हो, तो ऐसी जगह से करो जहाँ से आपको आपकी गाड़ी ऊपर उठाए ना, आपकी गाड़ी को कोई डैमेज ना करे, और खासतौर से ऐसी जगह पे करो जहाँ पे आपकी पुलिस चलान ना करे भाई, क्योंकि पार्किंग सही जगह पे हो। अगर आप ऐसा है कि आप रोड के ऊपर गाड़ी छोड़ देते हो, पुलिस वाला देख लेता है, वो चलान करता है, कर देगा आपकी गाड़ी टाइम भी कर देगा। आप दोबारा गेम स्टार्ट करते हो तो जहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन आता है कि आपने जहाँ पे एग्जिट किया था वहीं आप वापस जाना चाहोगे, वहां पे आप जाते हो तो आपको वहां पे आपको गाड़ी नहीं मिलेगा, भाई ये स्कूटर ले लिया, स्कूटर ले लिया, चलो ये प्राइवेट फ्री है, ये लेवल 3 तक आपको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। सीधी मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी आप बाय कर लेंगे। अब मैं पैसे ही कमाने जा रहा हूँ भैया, बहुत ज्यादा पैसे। और जो सर्वर नया सर्वर है ना, वो आपको क्या हो गया बिल्डर शिप के लिए, मुझे नहीं जाना यार, मुझे गेट एम्प्लॉय करना। इस सर्वर के अंदर हमें काफी EN2 और EN1 के मुकाबले ना जो हो गए, पैसा काफी कुछ ज्यादा लगा इसके अंदर, मेरे हिसाब से 50 नंबर है। आइए देख लेते हैं कितने नंबर बढ़ेंगे भाई। हाँ भाई 40 नंबर है यार, अभी नहीं यार, अभी पता चलेगा यार। इस बार देखते हैं अपने 1800 नंबर से ऊपर चला जाएगा ना। मिलेगा ये 40 डॉलर देगा। अभी अपने को पता चलेगा कितनी जॉब कंप्लीट करेंगे, इंडस्ट्री कंप्लीट करेंगे तो आपको अपना मिलेगा जो क्या बोलते हैं इसको लेवल 2 अप होगा। इस बार ये आएगा अपने ऑप्शन आएगा नीचे, यहाँ पे ऑल लिखा है वहां पे दो को पा जाएगा। 169 मतलब 170 रह रहे हैं भैया, 70 टास्क कंप्लीट लेवल, फिर मैं लेवल 3 के अंदर जाऊंगा, फिर मेरे को गाड़ी मिलेगी।
मैं इसके अंदर भैया तुमसे भी यही करूंगा आज के दिन में, आज के दिन में अपना यही करेंगे और कल अपने को मिलेंगे नए टास्क के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। और हाँ यार एक चीज मैं बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, मेरी जरूरत है सब्सक्राइब की। और देखो मुझे वायर भी मिल गई यार, वायर बहुत महंगी मिलेगी, ये इसका काफी कुछ खराब रहेगा, मेरे को वायर मिल गई इजीली मिल गई। इस प्रकार से आपको वायर मिलते रहे तो आपको वहां पर जाके सेल कर सकते हो। और आप जैसे कि आपको मैंने वो गाड़ी देखी थी जिसके अंदर वो ऑप्शन है कि जो गाड़ी आई थी ना बाद में गाड़ी लेने के बाद में, उस गाड़ी के अंदर क्या आपको डिक्की मिलेगी, डिक्की के अंदर आप सामान रख सकते हो। वो गाड़ी ले लोगे ना तो आप वहाँ पे जो माइनिंग का ऑप्शन है ना ऑयल रिग वगैरह में, तो वहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको काफी कुछ पैसा मिलेगा। जैसे कि एक टास्क कम्प्लीट होगा तो वो 15 से 20 डॉलर 50 डॉलर 100 डॉलर के अंदर भी जाए, वो अलग प्राइस है। तो सबसे ज्यादा प्राइस तो इसी जॉब के अंदर आ गया भी है, और उसके अलावा जॉब है ना वो पायलट की जॉब है, लेकिन उसके अंदर टफ है कुछ चीजें, जैसे कि कंट्रोल करना प्लान को टफ है, लेकिन और कुछ नहीं है। आप उस जॉब से बोर हो जाओगे, पैसा तो काफी आ गया उसमें। मैंने ये मान के अंदर उसके अंदर 35 जॉब कम्प्लीट की थी, मतलब 35 बार मैंने फ्लाइट को फ्लाई किया था जिसके अंदर मैं सही तरह से लैंड करवा पाया। लगभग 100 बार किया था मैंने टेक ऑफ, लेकिन 35 बार मैं सही तरीके से उसको चेक करवा पाया। और आपको मैं ग्रीन रूल के बारे में बता दूं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन रूल है, तो यहाँ पे आप अगर एक गैंगस्टर बन जाते हो तो यहाँ पे आप रॉबरी नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते बिना वजह, ठीक है, ये रूल होते हैं। और गेटो रूल जो रूल वो है, आप पुलिस वाले बन जाते हैं उसके बाद आप गेटो रूल के अंदर गेटो जो वहाँ पे आता है ना लिखा हुआ था गेटो जो, तो उसके अंदर आप नहीं जा सकते, वो गेटो में आता है। और कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तो आप मुझे डिस्कॉर्ड के ऊपर डीएम कर सकते हो, मेरी आईडी है रमेश विश्व के नाम से, तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। और नया सर्वर है वो लॉन्च होने वाला है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है, तो आप इजीली खेल पाओगे, अदर लैंग्वेज वाले प्लेयर वहाँ पे नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दो ही है, तो तीसरी लैंग्वेज नहीं है। इस ईएन सर्वर के अंदर तो कोई भी आ जाता है, रशियन भी आएगा, कोई भी लैंग्वेज वाला बंदा आ जाता है, तो आपको ज्यादातर इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।